एक्शन मेंटोर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने कुछ रैंडम क्वेश्चंस देखे थे अलग अलग, जिसमें हमने प्रीलिम्स के रिगार्डिंग जो भी पजल्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, जो भी हमारे पास में सिलोजम के क्वेश्चन आ सकते हैं, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज फिर से हम प्रीलिम्स के रिगार्डिंग ही काम कर रहे हैं। किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, कैसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, उसी की एक कैटेगरी में आज फिर से लेके आया हूँ। धीरे धीरे हम मूव करेंगे अपने और फर्दर क्वेश्चंस पे। और अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक आपका ऐसा है जो आपको नहीं आता है, जिसे मुझे पढ़ाने की जरूरत है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के जरूर बताएं कि आपको इस टॉपिक को पढ़ाने की जरूरत है। अगर मुझे ज्यादा से ज्यादा कमेंट मिलते हैं उस टॉपिक के ऊपर, तो डेफिनेटली मैं उसके ऊपर एक लेक्चर तैयार करूंगा, क्योंकि मुझे अभी ये नहीं लगता कि मुझे कोई टॉपिक आपको पढ़ाने की जरूरत है प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, फिर भी यदि आपको लगता है कि कोई पर्टिकुलर ऐसा टॉपिक है जो आपको पढ़ाना है, देखो पजल और सिटिंग जैसे टॉपिक इंडिविजुअली पढ़ाए नहीं जाते, उनके क्वेश्चन ही कराने होते हैं। ठीक है, फिर भी अगर आपको लगता है कि सर हाँ पजल और सिटिंग के अंदर कुछ कंडीशंस होती हैं जो हमें समझ में नहीं आती हैं, या सिलोजिज्म के अंदर कुछ कंडीशंस होती हैं जो हमें समझ नहीं आती हैं, या फर्दर कोई भी टॉपिक है, ऑर्डर रैंकिंग हुआ, या फिर उसके अलावा आपके पास जितने भी टॉपिक्स हुए, ब्लड रिलेशन वगैरह, तो उसमें यदि कोई भी किसी भी टाइप में यदि आपको प्रॉब्लम है, तो मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसके ऊपर डेफिनेटली एक वीडियो तैयार करके आपको देने की कोशिश करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन के अंदर हमने सबसे पहला जो क्वेश्चन लिया है वो अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज का लिया है, जो कि डेफिनेटली आपको पेपर में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे बेसिकली तीन स्टेप दी हुई हैं, आपको दिख रही होंगी यहाँ ये तीन स्टेप, स्टेप नंबर वन, स्टेप नंबर टू और स्टेप नंबर थ्री। हमारे पास एक सीरीज यहाँ गिवन है कंप्लीट ऊपर, जिसमें अल्फा न्यूमेरिकल और सिंबल तीनों फॉर्म है। ठीक है, हमें इन स्टेप के अकॉर्डिंग काम करना है और अपनी सीरीज तैयार करनी है। तो चलिए सबसे पहले स्टेप नंबर वन की बात कर लेते हैं। स्टेप नंबर वन कह रहा है कि दोज नंबर्स विच आर इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय अ वॉवल। ये ध्यान रखिएगा, जब भी प्रिसीडेड बाय अ वॉवल लिखा आता है, इसका मतलब क्या हुआ कि वॉवल से पहले आने वाले कोई भी नंबर। ठीक है, प्रिसीडेड कौन कर रहा है, नंबर, दोज नंबर विच आर इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय अ वॉवल, इसका मतलब ये हुआ कि यदि मेरे पास नंबर है तो वो नंबर प्रिसीडेड किससे कर रहा है, बाय अ वॉवल, मतलब उससे पहले कौन है। प्रिसीडेड का मतलब हमेशा ध्यान रखना, प्रिसीडेड का मतलब होता है पहले। ठीक है, तो दोज नंबर विच आर प्रिसीड इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय अ वॉवल, तो इसका मतलब नंबर से पहले कौन आ रहा है, वॉवल्स आ रहे हैं, और उसके बाद एंड इमीडिएटली फॉलोड, और फॉलोड का मतलब हमेशा ध्यान रखना होता है बाद में। ठीक है, तो इमीडिएटली फॉलोड बाय अ नंबर, इसका मतलब ये हुआ कि नंबर से पहले वॉवल है और नंबर के बाद में नंबर है। यहां तक बात सबको क्लियर है? तो उस कंडीशन में यदि मुझे ऊपर दी हुई सीरीज में ऐसा कुछ दिखाई देता है, तो उस कंडीशन के अंदर मैं क्या करूंगा, आर रिटर्न एट द राइट एंड ऑन इन असेंडिंग ऑर्डर। यदि मुझे ऐसा कोई नंबर दिखता है, तो उस नंबर को मैं असेंडिंग ऑर्डर में राइट साइड में रखना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, जैसे कोई भी नंबर मुझे मिला, सपोज 7 और 9 मिल गए, तो उसको मैं असेंडिंग ऑर्डर, मतलब पहले 7 और फिर 9, इस तरीके से लिखूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले चेक करते हैं ऐसे कितने नंबर है जिनके तुरंत पहले, मतलब इमीडिएटली प्रिसीडेड वॉवल है, और इमीडिएटली बाद में यानी इमीडिएटली फॉलोड में कौन है, नंबर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नंबर यहाँ पे मेरे पास जो है उसके पहले वॉवल होना चाहिए, तो 3 ऐसा नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसके पहले तो एल आ रहा है। ठीक है, और 9 भी नहीं है। ठीक है, 8 भी नहीं है, क्योंकि हमें नंबर चेक करना है यू, तो एक यू ही मुझे यहाँ दिख रहा है जो कि कॉम्बिनेशन तैयार कर रहा है। ये देखिए 5 एक नंबर है जिससे पहले आपको वॉवल दिखाई दे रहा है और जिसके बाद में नंबर दिखाई दे रहा है, एक कॉम्बिनेशन ये बन गया। इसके बाद यदि मैं 6 की बात करूं, ये भी नहीं है, 7 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, क्योंकि 9 के बाद में नंबर है और पहले भी वॉवल नहीं है, कॉन्सोनेंट है। इसका मतलब केवल एक ही नंबर मुझे दिखा है जिसके पहले वॉवल है और जिसके बाद में नंबर है। तो यदि मुझे इस स्टेप को लिखना है, तो मैं इस स्टेप को कैसे लिखूंगा, तो मैं स्टेप नंबर वन को यहां लिख देता हूं। स्टेप नंबर वन यहाँ पे आ जाएगी आपकी, कि सबसे पहले ब्रैकेट, फिर एल, फिर 3, फिर 8, देन P, इसी तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे, Q, T। अच्छा, अब ये ध्यान रखना है कि ऐसी सिचुएशन हो तो नंबर को बिल्कुल आखिरी में ले जाना है, मतलब यहां पे U भी रहेगा, 6 भी रहेगा, लेकिन 5 हट जाएगा। ठीक है, उसके बाद में डॉलर, डॉलर के बाद में 6, देन G, देन हैश, हैश के बाद में 7, उसके बाद में डी, डी के बाद में वाई, वाई के बाद में स्टार, देन एच, देन 9, देन W, देन Z, और देन उसके बाद में 5।
यही बोला गया था, असेंडिंग ऑर्डर में उसे हमें राइट साइड में रखना है, तो हमने राइट साइड में रख दिया, हमारी स्टेप नंबर वन तैयार हो गई है। स्टेप नंबर टू देखिए क्या कह रहा है कि आफ्टर कंप्लीशन द स्टेप वन इंटरचेंजिंग द इवन नंबर विद द नेक्स्ट एलिमेंट इन द सीरीज टू फॉर्म स्टेप नंबर टू, मतलब इवन नंबर को उसके अगले वाले एलिमेंट से रिप्लेस करना है। बात समझ में आ रही है? तो इवन नंबर है कौन वो देखना है हमें, इवन नंबर को उसके अगले वाले से, इंटरचेंज द इवन नंबर विद द नेक्स्ट एलिमेंट। तो इवन नंबर कौन सा है? ये इवन नंबर को उसके अगले वाले से, 8 और पी हो गया, 6 और डॉलर हो गया, 6 और जी हो गया, उसके अलावा और कोई भी नहीं है। तो मैं इस सीरीज को जब बनाऊंगा तो इंटरचेंज करना है, ये ब्रैकेट आ गया एल थ्री, 8 और पी है, इंटरचेंज करना है तो पी और 8 हो जाएगा, ये परसेंटेज है, ये 9 आ गया, ये क्यू आ गया, टी आ गया, यहां और आगे चले तो ये U आ गया, ये मेरे पास में 6 आ गया। और अब देखो 6 यहां नहीं आना चाहिए, यहां क्या आएगा हमारे पास में? डॉलर। ये क्या आ गया हमारे पास में? डॉलर आ गया, डॉलर के बाद में 6 आ गया, और उसके बाद में G आ गया, और फिर से 6 आ गया। बात समझ में आ गई इंटरचेंज करने के बाद? देन हैश, देन 7 डी वाई स्टार एच 9 डब्ल्यू जेड और 5। स्टेप नंबर टू तैयार हो गई हमारे पास। Now the last step is step number 3. After completion the step number 2, after completing the step number 2, alphabets which are immediately followed by a perfect square. Alphabets की बात हो रही है जो कि immediately follow कर रहे हैं किसको? Perfect square को, मतलब alphabet के बाद में perfect square आना चाहिए, are written between 6th and 7th element from the right hand. Right hand से 6th और 7th element के बीच में वो आ जाएगा, ठीक है, इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, अगर ज्यादा है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो राइट एंड से सिक्स और सेवन कौन सा हुआ? राइट एंड से 1 2 3 4 5 6 7, मतलब स्टार और वाई के बीच में आ जाएगा। तो यहाँ परफेक्ट स्क्वायर में यहाँ पे कौन है? देखो 3 8 9 है, लेकिन 9 से पहले अल्फाबेट नहीं है, ठीक है, और कोई है नहीं, यहाँ पे सिर्फ कौन बचता है? एच और 9। तो क्या करूंगा मैं यहाँ पे लिख दूंगा ब्रैकेट एल थ्री पी 8% 9 क्यू टी यू डॉलर 6 G 6 #7 डी वाई एच स्टार। बात समझ में आ रही है? फिर 9 डब्ल्यू जेड और 5। बात समझ में आ रही है सबको? तो तीनों स्टेप मेरे पास में तैयार होके आ गई हैं। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर क्वेश्चन हमारा। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 की यदि मैं बात करता हूं तो लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज 6th टू द राइट टू द एलिमेंट विच इज 9th फ्रॉम लेफ्ट हैंड। अच्छा, लेफ्ट हैंड से कोई एलिमेंट, ये लेफ्ट हैंड है, यहां से कोई एलिमेंट 9 है, उसके राइट में हमें 6th जाना है, इसका मतलब हम और दूर जा रहे हैं, इसका मतलब टोटल लेफ्ट से हम कितना है? तो टोटल लेफ्ट से हम कितना हो गए? 15। तो हमें क्या बताना है? वो एलिमेंट जो लेफ्ट हैंड से 15 में होगा, तो कौन सी स्टेप में? तो वो 6th स्टेप पूछ, ओ स्टेप नंबर 1 में पूछ रहा है। तो स्टेप नंबर 1 हमारे पास ये है, ऊपर दिख रही होगी आपको, ये वाली स्टेप नंबर 1 है। तो स्टेप नंबर 1 में गिनना शुरू करो 15, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, मतलब आंसर इज हैश, आंसर इज बी। क्लियर है यहां तक सभी को? चलिए सेकेंड नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है हाउ मेनी अल्फाबेट्स आर इमीडिएटली फॉलोड एंड इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय नंबर। तो ऐसे कितने अल्फाबेट हैं जिनके तुरंत पहले और बाद में नंबर आता हो? तो कितने अल्फाबेट हैं स्टेप नंबर 2 में? तो देखो स्टेप नंबर 2 ये वाली है हमारे पास में, तो अल्फाबेट देखने हैं, नंबर नहीं है दोनों तरफ, नहीं लेंगे, दोनों तरफ नंबर है, मतलब ये वाला हो गया, ठीक है, उसके अलावा दोनों तरफ नंबर होने चाहिए अल्फाबेट के, तो अल्फाबेट के दोनों तरफ नंबर होने चाहिए, ये हो गया, अल्फाबेट के दोनों तरफ नंबर होने चाहिए, ये नहीं है, अल्फाबेट के दोनों तरफ नंबर होने चाहिए, ये भी नहीं है, तो ये भी नहीं है। तो क्या यहाँ पे हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा? देयर आर 2 एलिमेंट्स, ठीक है, ऐसा कितना पेयर है हमारे पास? 2 का पेयर है। थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है इफ ऑल द सिंबल्स आर रिमूव इन स्टेप नंबर 3। तो स्टेप नंबर 3 में यदि सारे सिंबल्स को हटा दिया जाए, अगला क्वेश्चन है ये वाला, यदि सारे सिंबल्स को हटा दिया जाए देन विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विल बी इन द मिडल ऑफ द सीरीज। अच्छा, सिंबल्स हटाने हैं तो मिडिल में कौन होगा? तो ये मुझे बनाना पड़ेगा। तो यहां पे सिंबल हटा रहे हैं तो एल थ्री पी 8, ठीक है, 9 क्यू टी यू, ठीक है, जी 6 G 6 7 डी वाई एच
9 W Z 5 स्टेप नंबर 3 आ गई। अच्छा यहाँ पे मुझे मिडिल में कौन होगा ये बताना है, तो देखो 3 और 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 है। 19 का मतलब ये हुआ कि मैं 9 और 9 18 नौ एलिमेंट छोड़ देता हूं, तो 3 और 3 6 और 3 9 मतलब जी को कंसीडर कर लूंगा तो ये बीडल में हो जाएगा, इधर भी 9 और बीच में जी। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इफ द एवरेज ऑफ द फोर्थ एंड फिफ्थ नंबर फ्रॉम लेफ्ट। अच्छा एवरेज ऑफ द फोर्थ एंड फिफ्थ नंबर फ्रॉम द लेफ्ट, कौन सी स्टेप की बात कर रहा है ये देखेंगे, स्टेप नंबर 1 की बात कर रहा है। एंड आफ्टर रिमूविंग ऑल द अल्फाबेट्स एंड सिंबल्स इन स्टेप नंबर 1 इज टेकन देन दैट करस्पॉन्ड्स टू द पोजीशन, किसको करस्पॉन्ड करता है, टू द पोजिशनल वैल्यू ऑफ द विच अल्फाबेट एज पर द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। मतलब हमें अल्फाबेट की पोजिशनल वैल्यू चाहिए, ठीक है, ये बात तो सही हो गई। पोजिशनल वैल्यू हम निकाल लेंगे, पहले हमें पता करना पड़ेगा अल्फाबेट की पोजिशनल वैल्यू अगर निकालनी है तो वो कौन सा अल्फाबेट है, ठीक है। सबसे पहले हमें ये देखना है इफ द एवरेज ऑफ द फोर्थ एंड फिफ्थ नंबर फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक है, तो फोर्थ एंड फिफ्थ नंबर स्टेप नंबर 1 में देखो फ्रॉम द लेफ्ट, ये लेफ्ट हो गया हमारे पास में फोर्थ एंड फिफ्थ, तो यहां पे जब आप देखोगे तो 1 2 3 4 फोर्थ एंड फिफ्थ 8 और P, ठीक है, यही बोल रहा है वो। अब नंबर बोल रहा है तो हमें फोर्थ और फिफ्थ नंबर चाहिए। यहां पे आते हैं इफ द एवरेज ऑफ फोर्थ एंड फिफ्थ नंबर्स फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, फोर्थ एंड फिफ्थ नंबर की बात हो रही है स्टेप नंबर 1 में, तो ये तो पहला नंबर हो गया, ये दूसरा नंबर हो गया, ये तीसरा नंबर हो गया, ये चौथा और पांचवा फोर्थ एंड फिफ्थ नंबर, तो 6 और 6 का एवरेज कितना ही होगा, 6 ही होगा, तो 6 और 6 का एवरेज मेरे पास में कितना होगा, 6 होगा। इफ द एवरेज ऑफ फोर्थ एंड फिफ्थ नंबर फ्रॉम द लेफ्ट एंड, ये 6 हो गया, ठीक है, आफ्टर रिमूविंग ऑल द अल्फाबेट एंड सिंबल, मतलब सारे अल्फाबेट और सिंबल को निकालने के बाद लेफ्ट एंड से जो चौथा और पांचवा होगा, तो देखो यहां से सारे सिंबल और उनको निकालने के बाद यही होगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा, सारे सिंबल और अल्फाबेट को निकालने के बाद। यहां तक बात समझ में आ गई, तो आंसर क्या, उसका क्या होगा, 6 आ जाएगा। अब देखो आगे क्या बोल रहा है, देन दैट करस्पॉन्ड्स टू द पोजिशनल वैल्यू ऑफ द विच एलिमेंट, तो 6 किस कौन से एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, तो 6 किसका नंबर होता है, एफ का नंबर होता है, तो आंसर क्या आ जाएगा, एफ। समझ में आ रही बात, एवरेज वाला जो नंबर होगा वो कौन से अल्फाबेट को रिप्रेजेंट करेगा ये बताना है, तो 6 किसकी नंबरिंग होती है, एफ की। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी सिंबल्स आर देयर, ऐसे कितने सिंबल है विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय अ नंबर, मतलब सिंबल के बाद में नंबर और प्रीसीडेड बाय अल्फाबेट, ऐसे कितने हैं जिनके बाद में नंबर और पहले अल्फाबेट हो, तो देखो ये कौन सी स्टेप की बात कर रहा है, यहाँ रिप्रेजेंट नहीं किया है, तो यहाँ पे हम कौन सी स्टेप कंसीडर कर लेंगे, तो इस कंडीशन के अंदर हमें कंसीडर करनी पड़ेगी स्टेप नंबर 3, ठीक है, तो हाउ मेनी सिंबल्स आर देयर विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय अ नंबर एंड इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ अल्फाबेट, तो सिंबल से पहले अल्फाबेट और सिंबल के बाद में नंबर, तो आ जाइए स्टेप नंबर 3 में, सिंबल से पहले अल्फाबेट, या फिर अच्छा यहां पे अगर मैं बात करूं तो यहां पे हमारे पास सिंबल से पहले अल्फाबेट है, चलिए चेक कर लेते हैं, सिंबल से पहले अल्फाबेट, यहां मैं लिख लेता हूं सिंबल से पहले अल्फाबेट और बाद में नंबर, ठीक है, तो चलिए यहां चेक कर लीजिए, यहां पे देख लेते हैं सिंबल कहां पे आ रहा है, एक सिंबल ये रहा उससे पहले अल्फाबेट नहीं है, दूसरा सिंबल ये रहा उससे पहले अल्फाबेट है और बाद में नंबर है, ठीक है, एक सिंबल ये रहा उससे पहले अल्फाबेट नहीं है, एक सिंबल ये रहा उससे पहले अल्फाबेट है बाद में नंबर है, इसका मतलब ऐसे कितने हो गए हमारे पास में, देयर आर टू पेयर्स, ठीक है, हाउ मेनी सिंबल्स आर देयर विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय अ नंबर एंड प्रीसीडेड बाय अ अल्फाबेट, जब नहीं दिया हुआ तो हमें प्रोसेस पूरी होने के बाद जो सीरीज मिली हुई है वही हमारी आंसर होगी। यहां तक क्लियर है? चलिए तो आगे आते हैं, हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, ऐसे क्वेश्चन जरूर आएंगे आपके एग्जाम में और आपको करने हैं और आपको विद एक्यूरेसी और स्पीड के साथ करने। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन दी वर्ड, कौन सा वर्ड दिया हुआ है, कंप्यूटर, इन दी वर्ड कंप्यूटर दैट हैज एज मेनी लेटर बिटवीन देम इन द वर्ड एज इन द अल्फाबेट। अब देखो ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं तो हमें केवल पेयर्स बताने होते हैं, तो हम कंप्यूटर के पेयर्स बताएंगे और कंप्यूटर के पेयर्स किसी भी वर्ड के पेयर्स कैसे निकालते हैं, मैं आपको ऑलरेडी प्रीवियस जो मेरी क्लासेस थी जो मैंने ली थी
चैनल पे वो उसमें बताया है। देखो ये अगर मेरे पास में वर्ड है तो सबसे पहले आप सी का निकालेंगे, सी के आगे काउंट करना स्टार्ट करते हैं दोनों साइड में, ठीक है। इधर भी सी के आगे काउंट करेंगे डी ई एफ जी एच, और इधर भी, लेकिन इधर कुछ है नहीं इसलिए इधर काउंट करने की जरूरत नहीं है, किधर इस साइड काउंट करने की जरूरत नहीं है, इधर करेंगे। तो सी के बाद क्या आ गया, डी डी है नहीं, ई एफ जी एच आई जे, मतलब सी के लिए पेयर कितने, जीरो। ओ पे आते हैं, ओ के बाद क्या आता है, पी, इधर तो सी आ रहा है नहीं, तो ओ के बाद पी क्यू आर एस टी यू, ये भी क्या हो गया, जीरो। एम के बाद आता है एन ओ, एन ओ नहीं है, तो एम के बाद एन ओ पी क्यू आर, एक दिख गया क्या, एम से आर, ठीक है। पी के बाद पी क्यू आर एस, नहीं, पी के बाद क्यू आर एस टी, ठीक है, कितने हो गए, जीरो। यू के बाद वी डब्ल्यू एक्स वाई, यू के बाद वी डब्ल्यू एक्स नहीं आएगा, कितने हो गए, जीरो। टी के बाद टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, तो टी के बाद वी, टी के बाद यू वी, ठीक है, आर एस टी यू होता है ना, तो यहाँ पे एक पेयर मुझे ये दिख गया, ई एफ ई एफ जी एच आई जे के, जीरो, आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, दो दिख गए। आर के बाद आ गया एस टी यू, तो दो आ गए, एक तो आ गया आर से टी और एक आ गया आर से यू, तो टोटल कितने हो गए मेरे पास में, दो और दो चार, तो आंसर इज फोर। यहां तक मेरे हिसाब से सबको बात क्लियर हो गई होगी। चलिए तो फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर पजल। तो एक पजल हमें यहाँ दी गई है और इसे हमें यहाँ सॉल्व करना है, तो चलिए इस पजल को फिर सॉल्व करते हैं। क्या कहा गया है ये हमें देखना है। तो देखिए यहाँ पे जब मैं बात करता हूं तो कुछ एम्प्लॉयज की बात की जा रही है, ये सी डी ई ये सब एम्प्लॉयज हैं, कौन सी कंपनी के, ये कंपनी है उसके एम्प्लॉयज हैं। दे आर सिटेड एट अ कॉर्नर ऑफ हेक्सागन टेबल, हेक्सागन मतलब छह जनों की जो टेबल है उसके कॉर्नर पे, मतलब ये एक सिटिंग अरेंजमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक हेक्सागन टेबल बना लेता हूँ, मेरे पास एक हेक्सागन टेबल है, ये इस तरीके से एक हेक्सागन टेबल है, इसके कॉर्नर्स पे ये लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। ऑल ऑफ देम आर प्लेइंग डिफरेंट बोर्ड गेम्स इन देयर स्मार्ट बोर्ड, कौन कौन से, लूडो खेल रहे हैं अलग अलग तरीके, टोटल तो छह गेम खेल रहे हैं। ऑल्सो दे वियर डिफरेंट वॉचेस, तो देखो उन्होंने डिफरेंट कलर की वॉच, डिफरेंट वॉचेस पहन रखी हैं, डिफरेंट स्मार्ट गेम, दो वेरिएबल, उनके नाम तीन वेरिएबल, तो तीन वेरिएबल पजल हो गई हमारे पास, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। कंडीशन नंबर वन पे आते हैं, हमारी जो कंडीशन है वो कंडीशन कह रही है कि डी डज नॉट प्ले यूनो, और तो देखो डी जो है वो क्या नहीं खेलता, तो एक काम करते हैं यहाँ पे मैं मेंशन कर लेता हूँ, ये तो पर्सन है, ठीक है, ये गेम है और ये वॉच है, ठीक है। तो पर्सन कौन सा है, डी, डी कौन सा गेम नहीं खेलता, तो डी एक तो यूनो नहीं खेलता और एक डी चेस नहीं खेलता, चेकर नहीं खेलता, ठीक है। सी हु प्ले, सी कौन सा गेम खेल रहा है, सी खेल रहा है डोमिनोज, ठीक है। हु प्ले डोमिनोज, सिट एडजेसेंट टू जी, वो जी के पास बैठा हुआ है, ठीक है। अगर मैं यहां से करना चाहूं तो यहां से भी स्टार्ट कर सकता हूं कि सी जो है वो डी जी के पास बैठा हुआ है, लेकिन इसको हम होल्ड पे डालते हैं। ओनली टू पर्सन सिट बिटवीन डी एंड द वन हु वियर सोनाटा वॉच, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो हम इससे भी स्टार्ट कर सकते हैं कि दो पर्सन किसके बीच में बैठे हैं, डी के बीच में, एक और दो इधर से भी, एक और दो आओगे तो वो व्यक्ति जो सोनाटा वॉच पहनता है, ये हम उठा सकते हैं क्योंकि इसके अंदर कंडीशन एक ही बनेगी, ठीक है। आगे आते हैं, ई जो है लिखा हुआ है, ई हु वियर टॉमी वॉच, ई कौन से वॉच पहनता है, इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन हु प्ले चेकर। अच्छा जो चेकर खेलता है कौन है हमें नहीं पता, लेकिन जो चेकर खेलता है उसके इमीडिएटली लेफ्ट में कौन बैठता है, ई बैठता है, तो मैं यहां मेंशन कर लेता हूं ई के बारे में, ई को वॉच कौन सी पसंद है, टॉमी वॉच, इसको मैं ब्रैकेट में नहीं लूंगा तो वॉच को शो कर देगा, ठीक है। सोनाटा वॉच थी तो वॉच को ब्रैकेट में रख लेते हैं, ठीक है। ई टॉमी वॉच है वो कहाँ है, इमीडिएट लेफ्ट है, ये जो है इमीडिएट लेफ्ट है, इमीडिएट लेफ्ट है किसके, इमीडिएट लेफ्ट है, इमीडिएट लेफ्ट है किसके, जो कि कौन सा गेम खेलता है, चेकर खेलता है, चेकर्स, ठीक है, यहां तक क्लियर है। चलिए फिर आगे आते हैं, आगे वो हमसे क्या कह रहा है, आगे वो हमसे कह रहा है यहाँ पे देखो, डी डज नॉट प्ले, और एक और कौन सा गेम आ गया, कौन सा गेम नहीं खेलता, ये एक गेम कौन सा नहीं खेलता, कैरम भी नहीं खेलता, ठीक
ठीक है, आगे देखो। एफ जो है, एफ सिट 3 प्लेस अवे फ्रॉम द वन हु प्ले चेस। जो चेस खेलता है उससे 3 प्लेस। अच्छा, यहां पे अगर बैठा है तो 1 प्लेस, 2 प्लेस, 3 प्लेस। ठीक है, 3 प्लेस ये हो गया, 1 प्लेस, 2 प्लेस, 3 प्लेस अवे है। तो उसने क्या बोला है, एफ सिट 3 प्लेस अवे। 1 प्लेस अवे मतलब बगल में, 2 प्लेस अवे मतलब 1 प्लेस छोड़ के। तो इसका मतलब ये भी आमने सामने बैठेंगे। कौन कौन? एफ और जो चेस खेलता है, एफ और जो चेस खेलता है। ठीक है, ये आमने सामने है, एफ और जो चेस खेलता है वो आमने सामने है। ठीक है, चलिए, ये ध्यान रखने वाली बात है। एस डज नॉट वियर फोसल। अच्छा, ये एफ आ गया, सॉरी एच आ गया। एच क्या नहीं खेल, क्या नहीं पहनता, तो कौन सी वॉच नहीं पहनता? वो फॉसल की वॉच नहीं पहनता है। ठीक है, ये हमने घटा दिया। द वन हु प्ले चेस इज इमीडिएट नेक्स्ट ऑफ द वन हु वियर सोनाटा। अच्छा, चेस वाला सोनाटा के पास में, इमीडिएट नेक्स्ट है, तो चेस वाला सोनाटा के पास में है, तो मैं चेस यहां बना दूं तो फिर एक और डायग्राम बनाने की जरूरत पड़ जाएगी मुझे। ठीक है, और मैं एक और डायग्राम यहाँ पे बना देता हूं। ये मेरे पास में हो जाएगा डी। ठीक है, यहां मैंने चेस, क्योंकि इमीडिएट नेक्स्ट बोला है उसने। ठीक है, क्या बोला उसने? इमीडिएट नेक्स्ट। तो हमें नहीं पता ये इमीडिएट नेक्स्ट कौन सा वाला है। ये मैंने बना दिया सोनाटा। ठीक है, अब चलिए, चेस के बारे में कुछ कहा गया था हमें। चेस के बारे में कहा गया था कि चेस के अपोजिट में एफ है, तो चेस के अपोजिट में हमने किसको बैठा दिया? एफ को बैठा दिया। 3 प्लेस, 1 प्लेस, 2 प्लेस, 3 प्लेस। ठीक है, आगे आते हैं। आगे उसने हमसे कहा है कि चेकर एंड यूनो प्लेयर्स सिट डायगोनली अपोजिट टू ईच अदर। ठीक है, यहां से एक और बात समझ में आ गई कि चेकर वाला भी और कौन सा, यूनो, ये जो दो गेम हैं ये आपस में अपोजिट हैं, और चेकर इमीडिएट नेक्स्ट है, ई इमीडिएट नेक्स्ट है चेकर के। ठीक है, इसको भी होल्ड करके रखो, और ये दोनों इंपॉर्टेंट कंडीशन है। एफ वाली कंडीशन तो हमने बनाई ली है। ठीक है, ये दो पकड़ के रखनी है हमें। सी को डोमिनोज गेम पसंद है। ठीक है, ये भी समय अपने पास रखना है। आगे आते हैं। एफ नाइदर वियर फॉसल वॉच नॉर फास्ट ट्रैक। अच्छा, एफ जो है फॉसल भी नहीं पहनता और फास्ट ट्रैक भी नहीं पहनता। ठीक है, फास्ट ट्रैक की घड़ी भी नहीं पहनता। अच्छा, आगे देखो। द वन हु प्ले यूनो एंड वियर, किसके पास में बैठा है? जो कि यूनो गेम खेलता है और कैशियो की घड़ी पहनता है। वॉच सिट नेक्स्ट टू द एफ, वो एफ के बगल में बैठा है। ठीक है, यूनो और वो डी भी हो सकता है मेरे हिसाब से, है ना, वो डी भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं चाहूं तो ये इमीडिएट नेक्स्ट बैठा है, तो यहाँ पे अगर घड़ी की बात करें तो घड़ी कौन सी हो गई इसकी? कैशियो हो गई। ठीक है, और कैशियो घड़ी हो गई तो ये यूनो हो गया। एक तो कंडीशन में ये बना सकता हूँ, एफ के पास में बैठा है तो ये कैशियो घड़ी हो गई। ठीक है, कैशियो घड़ी हो गई और ये यूनो हो गया, एक तो कंडीशन, क्योंकि इमीडिएट नेक्स्ट बैठा है ऐसा बोला गया है। अच्छा, तो दो डायग्राम और बन जाएंगे। ये तो हो जाएगा डायग्राम नंबर 1 और ये 2। ये 1 का ए, ये 2 का ए। अब देखो, 1 का बी भी बनाना पड़ेगा ना मुझे। यहां पे कौन है? सोनाटा। यहां पे कौन है? चेस। ये है डी, ये है एफ, और अब की बार जो मेरे पास कैसियो होगा वो ये होगा, कैसियो और यूनो। बात समझ में आ रही है? इसके अलावा जो पास में बैठा है, तो ये कौन सा है? 1B। अब हम बनाएंगे 2B। इस तरीके से आपको डायग्राम बनाने हैं और उनको शॉर्टलिस्टेड करना है। ठीक है, ये हो गया एफ, इस बार आपके पास में ये कैशियो हो गया और ये यूनो हो गया, ये आपके पास में चेस हो गया और ये आपके पास में सोनाटा हो गया। ये हो गया 2B। क्लियर है? 4 डायग्राम बन गए। अब इन 4 डायग्राम को हमें शॉर्ट लिस्टिंग करनी है। तो देखो, सबसे पहले हमें चेकर और यूनो चाहिए। तो यूनो अगर ये है तो ये चेकर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? चेकर हो जाएगा। ठीक है, अगर ये यूनो है तो ये चेकर हो जाएगा, इसमें भी चेकर हो जाएगा। ठीक है, इस वाले केस में अगर ये यूनो है तो ये चेकर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये चेकर हो गया, और ये यूनो है तो ये चेकर होगा, तो ये चेकर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया सबको? चलिए, अब ये वाली कंडीशन भी हमारे पास में कंप्लीट हो गई, यूनो और चेकर वाली। अब हमें क्या चाहिए? अब हमें टॉमी वाली चाहिए, जो चेकर का, जो ई है वो चेकर के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है। तो ई जो है वो चेकर के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है, सब लोग अंदर की तरफ देख रहे हैं, यही कहा गया था। देखिए, सब लोग अंदर की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, सिटिंग एट द कॉर्नर ऑफ द हेक्सागन टेबल इन द ऑफिशियल कैंटीन। तो मतलब सब अंदर ही देखेंगे अगर ऐसा है तो। चलिए, तो उसने क्या बोला है? ई इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ चेकर, यही बोला है। एक बार चेक कर लेते हैं। उसने बोला था हमें, ई इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ चेकर, ई हु इज टॉम वेयर वॉच शुड इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन हु प्ले चेकर। ठीक है,
चेकर हमारे पास यहाँ पे है, चेकर का इमीडिएट लेफ्ट इधर जाएगा, अगर आपको समझ में आता है तो ये क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, जिसको टॉमी वॉच पसंद है। यहां तक बात समझ में आ गई, ये चेकर है तो इमीडिएट लेफ्ट आपका कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा, चेस गेम खेलता है और टॉमी की वॉच पसंद है। चेकर यहां पे हमारे पास इधर है तो इमीडिएट लेफ्ट इसका ये होगा जो कि ऑलरेडी डी है, तो इसका मतलब ये डायग्राम गलत हो गया। चेकर ये है तो इसका इमीडिएट लेफ्ट कौन सा होगा, ऊपर वाला होगा, ठीक है। इसका चेकर का इमीडिएट लेफ्ट तो ये होगा जो कि नहीं हो सकता, और इस चेकर का इमीडिएट लेफ्ट ये होगा जो कि ई है और जिसको क्या पसंद है, टॉमी की वॉच पसंद है। एक डायग्राम हट गया हमारा, यहां तक की कंडीशन क्लियर हो गई सबको। चलिए अब अगर हम आगे आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास में कौन कौन से डायग्राम है, तो सी को डोमिनोज पसंद है ऐसा बोला गया है, तो सी कहाँ आएगा जिसको डोमिनोज पसंद है गेम, तो इन सब जगह तो नहीं आ सकता, यहाँ भी डोमिनोज नहीं आ सकता, इसको चेस पसंद है, तो यही एक जगह बसती है जो कि सी के लिए बसती है जिसको डोमिनोज गेम पसंद है। बात समझ में आ रही है, हमारे पास में डोमिनोज गेम ही था, अगर आपको पता हो तो देखो डोमिनोज गेम है हमारे पास में। चलिए इसकी बात करें तो सी डोमिनोज, सी डोमिनोज, सी डोमिनोज के लिए दो जगह यहाँ बचती है हमारे पास में, ठीक है। सी डोमिनोज के लिए दो जगह यहाँ बच रही है, ये हट गया है, और सी डोमिनोज की अगर मैं बात करूं तो देखो सी डोमिनोज यहाँ आ सकता है, इन दो जगह नहीं आ सकता, सी डोमिनोज यहाँ नहीं आ सकता, सी डोमिनोज यहाँ आ सकता है, और डोमिनोज गेम है तो यहाँ पे भी नहीं आ सकता, तो इन सब जगह सी डोमिनोज नहीं आ सकता, केवल यही है जो सोनाटा के साथ सी को क्या बोल सकता है, डोमिनोज गेम पसंद है। यहां क्यों नहीं आया आपको बता दूं, यहां क्यों नहीं आया इस जगह पे, क्योंकि यहाँ चेस चेकर ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है, समझ में आ गया यहां तक। अब देखिए कौन कौन सी कंडीशन है, अब उसने क्या कहा है, एफ को फास्ट ट्रैक, एच जो है एच कहाँ आएगा, अगर मैं इन डायग्राम की बात करूं तो एच या तो यहां पे आएगा यहां आएगा, एच को फॉसिल और फास्ट ट्रैक की घड़ी पसंद नहीं है, और डी को यूनो पसंद नहीं है, देखो डी को यूनो पसंद नहीं है गेम, और यहां हमने यूनो ही दे दिया, तो ये डायग्राम गलत हो गया, पहले ही हो जाता लेकिन हमने अब बाद में कर लिया, ठीक है, यूनो पसंद नहीं है तो ये डायग्राम गलत हो गया, ठीक है। अब यही वाला एक डायग्राम बचा है जो हमें बनाना है, और यहाँ पे हमारे पास में कौन कौन बचा है, एक तो एच बच रहा है, और एक हमारे पास में कौन बच रहा है एच के अलावा, एच के अलावा सी डी ई एफ जी एच, तो देखो सी डी ई एफ जी एच, तो जी और एच दो बच रहे हैं यहाँ पे हमारे पास, जी और एच। यहाँ पे देखो एच को कौन सी घड़ी नहीं पसंद, फोसल और फास्ट ट्रैक की घड़ी नहीं पसंद, ठीक है, कैशियो की घड़ी तो पसंद हो सकती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूं, इसको कंप्लीट, ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया, इसका मेरे को पर्सन निकालना है। डी की अगर मैं बात करूं तो गेम अगर मैं देखूं तो यूनो नहीं पसंद, चेकर नहीं पसंद और कैरम नहीं पसंद, तो देखो डोमिनोज, डोमिनोज गेम हो गया, यूनो गेम हो गया, चेकर हो गया, कैरम हो गया, चार गेम तो ये हो गए, ठीक है। और कौन से गेम बचे हैं हमारे पास में, एक तो लूडो बचा है और बाकी सारे गेम हो गए हैं, देखो क्योंकि कैरम पसंद नहीं है उसको, अगर आप यहाँ ऊपर देखो तो कैरम डी को पसंद नहीं है, चेस ऑलरेडी आ चुका है, यूनो पसंद नहीं है, डोमिनोज आ चुका है, चेकर पसंद नहीं है, तो कौन सा गेम डी को पसंद है, तो डी को पसंद है यहाँ पे लूडो, ठीक है। एक और कंडीशन मुझे मिल गई, गेम कौन कौन से हो गए, सारे गेम हो गए मेरे पास, चेस हो गया, डोमिनोज हो गया, चेकर हो गया और लूडो हो गया और यूनो हो गया, कौन सा एक गेम बचा है, केवल और केवल हमारे पास में कैरम बचा है, तो यहाँ पे मैं कैरम लिख देता हूँ, कैरम, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गए, सारे गेम हो गए मेरे पास, एलिमेंट के अंदर जी और एच बचा है, तो देखो एच तो मैंने यहाँ पे डेफिनेट बता ही दिया कि एच को फॉसिल ऑफ फास्ट ट्रैक की घड़ी नहीं पसंद, तो घड़ी कौन कौन सी चल रही है, देखो कैसियो हो गया, सोनाटा हो गया, टॉमी हो गया, कैसियो सोनाटा टॉमी हो गए, ठीक है, तो कैसियो सोनाटा टॉमी तीन घड़ी तो ये हो गई, कैसियो सोनाटा और टॉमी, अब कौन सी बची है, फास्ट ट्रैक, फॉसिल और पिकासो, फास्ट ट्रैक फॉसिल नहीं पसंद, तो एफ को कौन सी घड़ी, बस एच को कौन सी घड़ी पसंद है, पिकासो, यहां तक क्लियर है, एफ को कौन सी घड़ी पसंद आ गई, पिकासो, तो एफ को पिकासो घड़ी पसंद आ गई एच को, ठीक है, तो एच को पिकासो घड़ी पसंद है, तो पिकासो घड़ी कहाँ आ सकती है, देखो ये सारी जगह भरी हुई है यहाँ पे मेरे पास में, केवल ये तीन जगह मेरे पास में बची है गेम की, और ये जिसमें एच इन दो जगह नहीं आ सकता, तो एच को मुझे यहाँ बैठाना पड़ेगा, और एच को कौन सी घड़ी पसंद है, पिकासो, क्लियर है यहाँ तक, तो एक एच मिल गया, एक ये मिल गया, तीन मिल गए, अब जो कौन बचा, जी, वो जी यहाँ आ जाएगा, यूनो चार मिल गए, अब मेरे पास डी और एफ बचा है, तो डी और एफ के अंदर आपको पता है कि एफ को जो है फास्ट ट्रैक की घड़ी नहीं पसंद, तो फास्ट ट्रैक की घड़ी किसको पसंद आ जाएगी, डी को फास्ट ट्रैक की घड़ी पसंद आ जाएगी, और एक घड़ी कौन सी मेरे पास में बची है, मेरे पास में बची है फास्ट ट्रैक, पिकासो, कैसियो, टॉमी और सोनाटा, तो मेरे पास फॉसिल की घड़ी बची है जो यहाँ पे आ जाएगी, आपको समझ में आ रही है बात,
ये मेरा डायग्राम है जो डेफिनेट मेरा यहाँ पे क्लियर हो गया है। अब मैं आपको ये बता देता हूं कि यहाँ पे ये जो हमने लिखा था इसे हम हटा देते हैं क्योंकि ये हमारे डायग्राम के बीच में आ रहा है। तो यहां से आपके पास में ये सब डायग्राम हट गए और केवल एक ही डायग्राम मेरे पास में बचा है। वो कौन सा डायग्राम है? ये वाला डायग्राम है। और अब आपको यही डायग्राम याद भी रखना है, ठीक है? चलिए अब क्वेश्चंस पे आते हैं। तो क्वेश्चन अब हम बना सकते हैं इजीली जब ये कंडीशन आ गई। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड आउट ऑड वन आउट ई एफ। एफ और ई दो का पेयर बन रहा है तो एफ और ई अपोजिट है, दिख रहा होगा आपको। एच और जी भी अपोजिट होने चाहिए, यस एच और जी भी अपोजिट है। डी और जी अपोजिट नहीं है। और हम बात करें सी और डी, तो सी और डी भी अपोजिट है। तो आंसर इज डी और जी, मतलब हमारा क्वेश्चन सही जा रहा है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द पर्सन हु सिट टू द राइट ऑफ ई प्लेयर्स विच ऑफ द गेम, ठीक है? द पर्सन हु सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ई, सेकंड टू द राइट ऑफ ई। तो देखिए ई के सेकंड टू द राइट मतलब ये ई है, इसका सेकंड टू द राइट इधर हो गया। डी लूडो फास्ट ट्रैक, डी लूडो फास्ट ट्रैक। तो हमारे पास उसने पूछा है गेम, तो आंसर इज लूडो। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज नॉट करेक्ट? तो देखो डी लूडो फॉसिल नहीं है, ठीक है? डी लूडो फास्ट ट्रैक है, ठीक है? बाकी देखें तो सी सोनाटा डोमिनोज भी है मेरे पास में, है ना? और आगे चलें तो एफ पिकासो का कैरम भी है। ये रहा एफ पिकासो कैरम, ठीक है, दिख रहा होगा आपको। तो केवल एक ही समझ में आ गया, डी लूडो फास्ट ट्रैक है, डी लूडो फॉसिल नहीं है। तो आंसर क्या आ जाएगा? ए। यहां तक सबको क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हु सिट डायगोनली अपोजिट टू जी, जी के डायगोनली। ये रहा क्वेश्चन कि जी के डायगोनली अपोजिट कौन है। अभी अभी हमने देखा था कि जी के डायगोनली अपोजिट हमारे पास में कौन बैठा हुआ है? एच, जो चेकर और पिकासो। एच जो चेकर और पिकासो, इतना याद रखो बस। एच जो चेकर और पिकासो, तो ये गलत हो गया। एच जो चेकर और पिकासो, एच जो चेकर और पिकासो, ये दो गलत हो गए। एच तो ये भी गलत हो गया। द वन हु सिट इमीडिएट राइट ऑफ डी, एक तो ये बचा और एक ये बचा सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, ठीक है? ठीक है, चलिए डी और एफ। एच है डी के तो इमीडिएट लेफ्ट है और एच के सेकंड टू द लेफ्ट है। डी के तो इमीडिएट लेफ्ट है और चेक एच एफ के सेकंड टू द लेफ्ट है। तो आंसर क्या आ जाएगा? फोर्थ। ये तो राइट बता रहा है जबकि क्या आना चाहिए था? लेफ्ट। बात समझ में आ गई, आंसर इज डी। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं आज के। इफ डी एंड ई एक्सचेंज देयर प्लेसेस, इफ डी एंड ई एक्सचेंज देयर प्लेसेस एंड सिमिलरली एफ एंड सी एक्सचेंज देयर प्लेसेस, देन हु सिट थर्ड टू द राइट ऑफ सी। डी और ई को एक्सचेंज कराओ सबसे पहले, तो डी और ई को एक्सचेंज कराओगे तो यहाँ पे ई आ जाएगा, यहाँ पे डी आ जाएगा, ठीक है? और किसको एक्सचेंज कराना है लास्ट? और एफ और सी को एक्सचेंज कराओ, तो जब आप एफ और सी को एक्सचेंज कराओगे तो यहाँ एफ आ जाएगा, यहाँ सी आ जाएगा। अब क्या बताना है? अब आपको ये बताना है कि थर्ड टू द राइट सी के कौन है। तो सी नया वाला कहाँ पे है? सी के थर्ड टू द राइट ऊपर जाएगा, तो सी के थर्ड टू द राइट फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन आ गया? डी, क्योंकि नई प्लेस कौन सी है? डी। आंसर इज डी। बात समझ में आ रही है? आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच आज के लेक्चर को देखने के लिए। देखिए हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम अपने क्वेश्चंस को और ठीक करते जाएंगे। हमें प्रैक्टिस करनी है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करने की, ठीक है? आप क्वेश्चंस पे फोकस कीजिए कि हम कितनी देर में कर पा रहे हैं। मैं तो समझा दे रहा हूं आपको, आप कितनी देर में इस पजल को बना पा रहे हो। ये जो पजल मैंने अभी आपको कराई है ये मैक्सिमम 3 मिनट में आपकी बन जानी चाहिए। वो जो अल्फाबेटिकल सीरीज मैंने आपको कराई थी वो मैक्सिमम 3 मिनट में हो जानी चाहिए थी, और विद इन 30 सेकेंड आपका वो क्वेश्चन हो जाना चाहिए था। तो 6.5-7 हद से 8-8.5 मिनट में हो जाना चाहिए। मैंने आपको समझाया इसलिए लेक्चर लंबा हुआ है, ठीक है? तो थोड़ा सा चीजों को अपन देखते हुए चलेंगे, और अगर ऐसे ही प्रैक्टिस हम धीरे धीरे करते रहे तो हमारे पास बहुत टाइम है, हम इजीली सिलेक्शन ले सकते हैं, ठीक है? आईबीपीएस क्लरिकल में सिलेक्शन लेना बहुत बड़ी बात नहीं है, आप इजीली ये काम कर सकते हैं, लेकिन आपको रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करते रहनी पड़ेगी। चलिए थैंक यू सो मच आज के लेक्चर के लिए। हैव अ नाइस डे।